Assalamualaikum मिर्ज़ा नईम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। सो यार बेसिकली सीन ये है कि इंटरव्यूज़ की लाइनें लगी हुई हैं, कॉल्स पे कॉल्स आने शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बेसिकली तीसरा इंटरव्यू आपके भाई का है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस है, दोबारा कॉल करके बुलाते ही नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यार पहला इंटरव्यू हमारा जो आपने वीडियो देखी हुई है, पहला इंटरव्यू ये गया था कि बस बहुत ही बुरा गया था, ठीक है। उसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे दोबारा कॉल आएगी, वो वाकई नहीं आई। दूसरा इंटरव्यू हमारा अच्छा गया था, ठीक है। बेसिक क्वेश्चनिंग भी अच्छी गई थी, उसने इंटरव्यू भी अच्छा लिया था। उसने बेसिकली मुझसे जो क्वेश्चनिंग की थी ना, वो मेरे जो मैंने काम किया हुआ था ना, उसी चीज़ से रिलेटेड की थी। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू के बाद पहले बेसिक इंटरव्यू हुआ जो कि CTO ने लिया था मेरा, ठीक है। बेसिक इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या काम करते रहे हो, सऊदीया में किस टेक्नोलॉजी पे काम किया, किस लैंग्वेजेस में काम किया, तो ये सीन था। पुरानी वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसमें उसने असाइनमेंट भी दी थी मुझे। असाइनमेंट देने के बाद वो मैंने सबमिट करवाई थी, उसके 5 दिन बाद मुझे दोबारा कॉल आई थी, ठीक है। और मैं फिर दोबारा गया था और उसने मेरे से टेस्ट गुरिल्ला पे टेस्ट लिया था, टेस्ट असेसमेंट थी, ठीक है। जो असाइनमेंट मैंने सबमिट करवाई थी वो बेसिकली सीन ये था कि मैं घर पे जाऊंगा, 2 दिन उसके ऊपर लगाऊंगा और वो सबमिट करवाऊंगा। मैंने 1 दिन में ही सबमिट करवा दी थी, ठीक हो गया। तो बेसिकली आज है 3rd इंटरव्यू। अब वो जो 2nd इंटरव्यू है उसकी कॉल अभी फाइनल कॉल आनी बाकी है, क्योंकि उसमें अभी भी 2 इंटरव्यू बाकी हैं। नहीं, एक ही है फाइनल इंटरव्यू। तो अभी है 3rd इंटरव्यू, एक और कंपनी से कॉल आई है, यहाँ से पकड़नी है हमने टैक्सी और हमने फिर निकलना है 3rd इंटरव्यू के लिए। और इंशाल्लाह कॉल्स आना शुरू हुई हैं, लेकिन ये कम अज़ कम इंटरव्यू चल रहे हो ना तो बंदा डिसहार्ट नहीं होता कि यार कम अज़ कम कॉल तो आ रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, शुरू में कॉल ही नहीं आ रही थी, बंदा डिसहार्ट हो जाता है। यार क्या सीन है, मतलब कि कॉल तो है, कम अज़ कम बंदा इंटरव्यू तो देख, आइडिया मिलता है उससे, मतलब कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो अभी चलते हैं 3rd इंटरव्यू की तरफ, इंशाल्लाह इंटरव्यू से आके सारी दास्तान आपको बताएंगे। तो यार बेसिकली हमारा 3rd इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंपनी में गया हूँ तो सबसे पहले तो एक डेवलपर, डायरेक्ट ही डेवलपर, यार कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट डेवलपर आया, ठीक है। उसने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की सारी चीज़ों से रिलेटेड, कि आपने किस किस लैंग्वेज में काम किया हुआ। मैंने उसको कहा मैंने सिर्फ PHP में काम किया हुआ है, व्यू में किया हुआ है और रिएक्ट में किया हुआ है। अच्छा, तो उसने कहा चलें ठीक है। उसने फिर प्रॉम्प्ट्स वगैरह और वो सारी रिएक्ट्स की चीज़ें, इस तरह Vue.js में जो हुक्स होते हैं वो, यानी कि चीज़ें पूछना शुरू की, समझ रहा। उसके बाद उसने कुछ क्वेरीज मुझसे लिखवाई, वो क्वेरीज मैंने उसको लिख के दे दी, ठीक है। बाकी चीज़ ये है कि उससे तकरीबन आइडिया हो गया था मेरा कि मतलब कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरा 1.5 साल का ही एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। पहली चीज़ ये है कि जब भी मैं कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता हूँ, मैं वहाँ पर जाके यही कहता हूँ मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली यार वो बुलाते ही नहीं है इंटरव्यू के लिए। मैं सोचता हूँ कम अज़ कम इंटरव्यू के लिए तो बुलाएं, ठीक है, पास होना या ना होना वो एक अलग चीज़ है। बाकी जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में बैठते हो तो काम तो आपने कर ही लेना है, तो ये सीन है। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा आज। अच्छा, तो अब सीन ये है कि यार अब बेसिकली उम्मीद है कि मुझे यहाँ से कॉल आएगी लाजमी। मेरा 2nd इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा था, अब तो कामा भी मेरा एक्सपायर होने वाला है और सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का जो सर्टिफिकेट था वो भी एक्सपायर हो चुका होगा। अच्छा, अब तो मैं सोच रहा हूँ जो जो मिले बस वही कर लेनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तकरीबन 3 माह हो गए। तो इंशाल्लाह मैं दुआओं में याद रखना यार। और ये है कि इंटरव्यूज़ 2 तो अच्छे गए हैं, पहले वाला इंटरव्यू तो बस गया, उसके तो वैसे भी मुझे अब कॉल नहीं आ रही, ठीक है। ऊपर से अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा यार, कसम से समझ नहीं आ रही चल क्या रहा लाइफ में। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऊपर से बिल्डिंग का बिजली चली गई थी, ठीक है, तकरीबन 1000 रियाल बिल उसका आया हुआ है। और जो बिल्डिंग का रेंट है दोबारा से जो रीन्यू होना है इसी मंथ, तकरीबन 20 से 22 हज़ार रियाल है। बस लगे हुए उधार पकड़ रहे हैं इधर उधर से। तो यह है कि लाइफ में टफनेस आती रहती है और बैंड बजती रहती है, बस उस मालिक और उस्ताद का शुक्र अदा करते रहें तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। तो यह है कि ये मेरा 3rd इंटरव्यू था और मुझे लगता है यहाँ से मुझे कॉल आ जाएगी।
तो अभी वेट करते हैं, और बाकी अगर मुझे कोई इंटरव्यूज की कॉल आई या कोई और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड लाजमी हो जाएगी। और थैंक यू सो मच व्यूवर्स इतना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, लाइक मार दीजिएगा, कमेंट लाजमी करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।